अगर दोस्तों अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर हो तो आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ साथ प्लंबिंग ड्राइंग के बारे में भी पता होना चाहिए। प्लंबिंग ड्राइंग में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मेरे पास यहाँ पर एक बिल्डिंग की ड्राइंग है, मैं आपको ये ड्राइंग में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे पाइप लेइंग होता है, कैसे कैसे प्लंबिंग काम होता है, वो सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को पूरा देखना, ये छोटी सी वीडियो है, आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मेरी प्लंबिंग की ड्राइंग का लेआउट प्लान है, ठीक है। ये टॉयलेट ब्लॉक है और यहाँ पर किचन है और ये है हैंड वॉश एरिया डाइनिंग में, ठीक है। और इसी ड्राइंग में यहाँ पे साइड पे यहाँ पे देखिए नोट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर की पाइपलाइन है मेरी वो सॉयल पाइपलाइन है और जो मेरी ब्लू कलर की पाइपलाइन है वो वेस्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ सिंबल दे रखे हैं फ्लो ट्रैप का, यूरिनल ट्रैप का, ये सारा मैं अभी आपको आगे जाकर बताता हूँ। पहले मैं इस ड्राइंग को आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये टॉयलेट ब्लॉक है, इसमें पाइपलाइन की डिटेल दे रखी है। जो मेरा रेड कलर का पाइप है ये है सॉयल पाइपलाइन, जो ब्लू कलर का पाइप है ये है वेस्ट लाइन। आप दोनों में डिफरेंस समझिए। सॉयल पाइपलाइन वो लाइन होती है जिसमें आपका वॉल माउंट और इंडियन पैन कनेक्ट हुआ हो, ठीक है। ये सिर्फ आपके वॉल माउंट और इंडियन पैन के लिए होती है और इसमें आपका यूरिनल भी जुड़ जाता है और ये सीधी जाती है आपकी सीवरेज मैनहोल में। और अगर हम बात करें वेस्ट लाइन की, वेस्ट लाइन वो लाइन होती है जिसमें आपका पानी जाए, ड्रेनेज लाइन होती है। इसमें आपका वॉश बेसिन जुड़ जाता है, आपके बाथरूम जुड़ जाते हैं और आपका फ्लो ट्रैप जब एफसीओ का पॉइंट जुड़ जाता है इसमें। ये लाइन आपकी सीधी मैनहोल में नहीं जाएगी, ये लाइन पहले सीधी आपकी जीटी में जाएगी, जीटी मतलब गली ट्रैप में जाएगी, गली ट्रैप के बाद ये आपकी सीवरेज मैनहोल में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेड कलर की सॉयल पाइपलाइन की। ये मेरे तीन यूरिनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूटी, यूटी मतलब यूरिनल ट्रैप। यूरिनल के नीचे यहाँ पे एक ट्रैप दिया जाता है कि स्मेल बाहर की अंदर ना आए। फिर यहाँ पे एक एफसीओ का पॉइंट दिया हुआ है रेड कलर में, एफसीओ मतलब फ्लोर क्लीन आउट, फ्लोर क्लीन आउट का यहाँ पे पॉइंट है। और ये लाइन में देखो कनेक्ट क्या क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे देखिए वॉल माउंट की लाइन जा रही है और यहाँ पे एफसीओ दिया हुआ है फ्लोर क्लीन आउट का पॉइंट। इसमें ये मेरा इंडियन पैन है, इंडियन पैन कनेक्ट हो रहा है और ये जो मेरा वॉल माउंट है इसकी लाइन सीधी सीवरेज मैनहोल में जा रही है, ये भी सीवरेज मैनहोल में है, मतलब ये मेरी सॉयल पाइपलाइन सीधी डायरेक्ट सीवरेज मैनहोल में जा रही है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं वेस्ट लाइन की। वेस्ट लाइन में देखिए मेरा यहाँ पे एफटी मतलब एफटी दिया हुआ है, एफटी का मतलब होता है फ्लोर ट्रैप, ये देना ज़रूरी होता है ताकि अपने बाहर की सीवरेज के जो स्मेल है वो आपके बाथरूम या किचन में अंदर ना आए। एफटी फ्लो ट्रैप दिया, वाशबेसिन का पानी पहले फ्लो ट्रैप में जाएगा, फ्लो ट्रैप से ये पानी आपका पाइपलाइन के जरिए होता हुआ गली ट्रैप में जाएगा, गली ट्रैप से ये पानी आपका सीवरेज मैनहोल में जाएगा। ये जो मेरी दोनों लाइनें हैं ये मेरी 100 mm डायया की है, ठीक है, 4 इंची पैप है ये। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ सीआई पैप, सीआई मतलब कास्ट आयरन पैप, लेकिन आजकल यूपीबीसी पैप यूज़ हो रहा है जो कि सस्ता भी पड़ता है और उसकी लाइफ भी अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ भी है कि इसका एफसीओ का पॉइंट दिया हुआ है, ये मेरी पाइपलाइन ऐसे सीधी गई, इसमें यहाँ एफसीओ का पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे दो बाथरूम है, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए ये मेरा एक बाथरूम है, यहाँ फ्लो ड्रेन दिया हुआ है, ठीक है। फ्लो ड्रेन का पानी आया मेरा फ्लो ट्रैप में, वॉल माउंट है तो फ्लो ट्रैप तो देना पड़ेगा, फ्लो ड्रेन का पानी आया फ्लो ट्रैप में, फ्लो ट्रैप का पानी सीधा लैंड के जरिए होता गया गली ट्रैप में, ठीक है। यहाँ बाहर एक गली ट्रैप बनता है स्टोन पेयर पाइप का और गली ट्रैप से जो मेरा पानी सीवरेज मैनहोल में जाएगा वो मेरा SWR पाइप जाएगा, SWR मतलब स्टोन वेयर पाइप, ठीक है। ये गली ट्रैप इसलिए देते हैं कि बाहर की अपनी स्मेल आपके अंदर ना जाए, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। जो आपकी सॉयल लाइन है वो सीधी आपकी सीवरेज मैनहोल में जाती है, जो आपकी वेस्ट लाइन है वो आपकी पहले गली ट्रैप में जाएगी, उसके बाद वो सीवरेज मैनहोल में जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किचन का। किचन में जो मेरी ब्लू कलर की लाइन है ये सारी वेस्ट लाइन है, इसमें सॉयल लाइन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ है वॉश बेसिन, दो वॉश बेसिन है, यहाँ पे मैंने फ्लो ट्रैप दिया हुआ है
और ये हैंड वॉश एरिया है एफडी, एफडी का मतलब फ्लो ड्रेन। फ्लो ड्रेन का पानी पहले फ्लो ट्रैप में गिरेगा, फ्लो ट्रैप का पानी सीधा पाइप के जरिए होते हुए आपका गली ट्रैप में जाएगा, गली ट्रैप से आपका जाएगा सीरम मैनहोल में। यहाँ पे लिखा हुआ टू मैनहोल रेफर साइड प्लान, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा 100 mm डाय का पाइप है, ये 75 नहीं 100 mm का पाइप है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी पेंट्री है, यहाँ भी फ्लो ट्रैप दिया हुआ है और यहाँ भी फ्लो ट्रैप दिया हुआ। ये फ्लो ट्रैप कि आपका जो किचन का जो पानी है वो आपका इसमें चला जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सिंक दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो मेरे किचन सिंक है, या एफडी दिया हुआ है यानी कि फ्लो ड्रेन। फ्लो ड्रेन का पानी जाएगा मेरा फ्लो ट्रैप में, फ्लो ट्रैप का पानी पाइपलाइन के जरिए होते हुए आपका जाएगा गली ट्रैप में, गली ट्रैप से आपका पानी जाएगा सीधा सीवरेज मैनहोल में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, सॉयल जो लेना आपकी होती है वो सिर्फ आपकी टॉयलेट में जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। किचन हो गया, आपका बाथरूम हो गए, वो आपकी सिर्फ वेस्टलैंड में जाता है, ठीक है। सॉयल और वेस्टलैंड। अब मैं अभी आपको इसका पानी का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा टॉयलेट ब्लॉक है, इसमें यहाँ पे देखिए ये एक रिंग बना हुआ है, ये मेरा 50 mm का कोल्ड वाटर सप्लाई रिंग है, ठीक है। मतलब इसमें जो मैं पाइप यूज़ कर रहा हूँ, मैं CPVC का पाइप यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, अच्छा ब्रांड का पाइप यूज़ करो। और आपको इसमें यूज़ करना है HDR 11, जो HDR 11 पाइप होता है वो होता है आपका हॉट और कोल्ड वाटर के लिए, जो HDR 13.5 होता है वो होता है सिर्फ आपका कोल्ड वाटर के लिए, ठीक है। यहाँ 50 का पाइप है, 50 के पाइप से यहाँ पे देखिए 20 की एक ब्रांच निकली है, यहाँ तक आई 20 के बाद निकली है 15, फिर इस 50 में फिर 20 की निकली, फिर यहाँ 15 की निकली। वाशमिशन के लिए देखिए 50 से 25 निकला, 25 से 20 निकला, 20 के आगे 15 आया। यूरिनल के लिए देख लीजिए 50 से 25 निकली, 25 से 20, 20 के आगे 15 आई। मतलब इसका जो अपना रूल है, थंब रूल इसका मैं आपको बताता हूँ। आपको जो वाटर सप्लाई का काम करना होता है टॉयलेट में, किचन में, कहीं भी, आपको पाइप को रिड्यूस करते हुए जाना होता है, ठीक है। पाइप को रिड्यूस करते हुए कैसे जाना, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको रिड्यूस करते हुए जाना होता है। मान लीजिए मेरी यहाँ से पाइप लाइन आई है 50 mm की, ठीक है, और यहाँ से एक आगे मेरे को लेके जानी है, या मैं दूंगा 40 mm, 40 से एक मेरे को पॉइंट इधर निकालना है, ठीक है। मान लो मैंने 20 mm की पाइपलाइन निकाल दी, और यहाँ 20 से यहाँ मेरे को एल्बो मारनी है, ब्रास एल्बो, यहाँ लगेगी मेरी 20x15 mm की ब्रास एल्बो, और यहाँ पे मैं टैब या कुछ भी लगाना लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर इसको मैं आगे फिर बढ़ा दिया, फिर यहाँ मैंने 32 mm की पाइपलाइन लगा दी है, ठीक है। यहाँ 32 से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे और निकाल दिया, मैंने यहाँ 20 का पॉइंट निकाल दिया, 20 से फिर यहाँ मैंने 20x15 की ब्रास एल्बो लगा दिया। देखिए रिड्यूस करता हुआ जा रहा ना, 50 गया, 50 से 40 गया, 40 से यहाँ 20 की निकल गई, फिर यहाँ 40 से आगे 32 आ गई, 32 से 20 आ गई, ठीक है। रिड्यूस करते हुए जाना होता है, इसका रूल ही यही है, रिड्यूस करते हुए जाना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देख के समझोगे आप, ठीक है। ये मेरा किचन है, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ बाहर से मेरी लाइन है कितने की, 40 mm की, ठीक है। CPVC पाइप लाइन है 40 की आगे आ गई 32 की, 32 आई, 32 के आगे क्या होगी 25, 25 के आगे क्या हुई 20, ठीक है। रिड्यूस हो गई ना, 40 आई, फिर 32 आई, फिर 25 आई, फिर 20 आई, देखा अंदर कम होते हुई गई है ना। और फिर यहाँ पे देख लीजिए 40 आई, 40 के आगे 20, ये 25 नहीं, ये भी 20 की लेना है, 20 के बाद मैंने यहाँ पे दो पॉइंट दिए 15 के, मैंने वो रिड्यूस कर दिया, पहले 40 फिर 20 फिर मैंने 15, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों रिड्यूस करते हुए जाना होता है CPVC पाइपलाइन को। जितना आप रिड्यूस करोगे आपका प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। अगर आप सीधी यहाँ पूरी 40 दे दोगे, 40 सीधे 15 के पॉइंट निकाल दोगे या 20 के निकाल दोगे, तो आपका प्रेशर नहीं बनेगा। तो इसका थंब रूल ये रहता है कि जो भी आप टॉयलेट हो या किचन हो, कहीं भी आप CPVC का काम करो, आपको पाइपलाइन को रिड्यूस करते हुए जाना है। किसमें? वाटर सप्लाई में। मैं वाटर सप्लाई की बात कर रहा हूँ, CPVC पाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसमें GI का काम होता है, लेकिन आजकल कोई GI लगाता नहीं। CPVC पाइप सस्ता भी पड़ता है और टिकाऊ भी रहता है।
अब मैंने आपको क्या बोला था, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सारी डिटेल दे रखी है ड्राइंग में, ठीक है, कोल्ड वाटर सप्लाई, ठीक है, सिंबल दे रखे हैं, 75 mm है, एंटी स्टिफनेस पाइप कौन सा होता है, ये आपका गैस पाइप होता है, ठीक है, 75 mm है, वर्टिकल रेन वाटर पाइप दे रखा है, फ्लो ट्रैप का यहाँ पे सिंबल दे रखा है FT, फ्लो ड्रेन का सिंबल दे रखा है FD, यूरिनल ट्रैप का सिंबल दे रखा है UT, ठीक है, ये देखिए गली ट्रैप 300x300 का, ये गली ट्रैप, ये सॉयल पाइपलाइन रेड कलर की है ना, रेड कलर की सॉयल पाइपलाइन, वेस्ट लैंड मेरी ब्लू कलर की, ये सारे सिंबल दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए वाटर सप्लाई टैप के सिंबल दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या मुझे कमेंट में लिखें, और मुझे इंस्टाग्राम IDCivilFieldEngineer पर फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।